सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी को लेकर देखो भाई, नंबर एक जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है, इसका एक नोटिस पब्लिश हुआ है, उसको देखेंगे क्या नोटिस आया है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। सेकेंड जो है वो इसके फंडामेंटल्स को लेकर है, फंडामेंटल्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिले हैं, वो आपको बताएंगे। साथ के साथ एक हमारी प्रीवियस वीडियो जो मैंने आज ही के दिन बनाई थी ना, उसके ऊपर एक कमेंट आया प्यारा सा, उसके अंदर बताया गया है, जो कमेंट है उसमें बोला गया है कि भाई सुजलोन एनर्जी जो फंड रेज कर रही है, और हालांकि मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाकर आपको क्लियर बताया था कि 2000 करोड़ का जो फंड रेज करेगी, इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या इससे जो है कंपनी को थोड़ा एक नुकसान की तरफ देखने को मिल सकता है, यानी ये गलत तरीके से देखती हैं पब्लिक उसको, वो मैंने एक्सप्लेन किया है और वो सही भी है भाई, ठीक है। तो यहाँ से उनका मानना है कि कंपनी जो फंड रेज करेगी 2000 करोड़ का, ठीक है, और कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे 1100 करोड़ के आसपास डेप्ट भी है, कर्जा भी अभी, तो 2000 करोड़ जो फंड रेज करेगी इससे अपने डेप्ट को कम कर लेगी। चलो भाई मान ली बात, आपने जो डेप्ट है वो पे कर दिया, कंपनी के पास बचे 900 करोड़ रुपए, ये यानी कि इसमें से जो बचे हैं वो, यानी 2000 करोड़ का तो मोटा मोटी कंपनी ने ऑलमोस्ट आप लोग देखो कि डेप्ट ही उठाएगा, ठीक है। अगर QIP के जरिए फंड रेज करेगी तो QIP के अंदर क्या होगा, कंपनी के जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है ये अपने शेयर बेचेंगे, तो वहाँ से उनकी होल्डिंग कम होगी। तो शेयर होल्डिंग अगर प्रमोटर से कम होगी तो वहाँ पर फिर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा स्टॉक के ऊपर। अगर NCD के थ्रू करेगी तो वहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रकार का डेप्ट ही है ये, ठीक है, हाई डेप्ट भाई, ठीक है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि कंपनी 2000 करोड़ का डेप्ट ले रही है, कर्जा ले रही है। अगर NCD के थ्रू करेगी तो वहाँ पर कंपनी को एक टाइम पीरियड के अनुसार अपने जो पैसे हैं ये वापस देने पड़ेंगे और उसका इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ेगा। और QIP के जरिए करेगी तो वहाँ पर कंपनी के प्रमोटरों को अपनी होल्डिंग बेचनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर ये डेप्ट घटेगा नहीं भाई, कंपनी मान लीजिए कर्ज मुक्त हो जाएगी, कंपनी ऊपर आगे और डेप्ट बढ़ जाएगा। तो ये वो अपडेट है जो मैंने आपके साथ दोपहर वाली वीडियो में शेयर की थी, ठीक है। लेकिन कंपनी 2000 करोड़ अगर फंड रेज कर रही है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रोथ को फैलाने के लिए आप लोग देखोगे, बिजनेस ग्रोथ के लिए ही कंपनी फंड रेज करिए, जो कि काफी फायदेमंद रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ आप लोग समझो। अब मैंने बात आती है जो नोटिस पब्लिश हुआ है आज के दिन, जो अपडेट है ये आपको दिखा देते हैं, अपडेट क्या है, फिर उसके बाद इसके फंडामेंटल भी देखेंगे। फंडामेंटल के ऊपर में थोड़ा विचार करना चाहिए भाई, ठीक है, विचार करने का टाइम है फंडामेंटल्स के ऊपर, वो भी हम देखें। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 4 घंटे पहले पोस्टल बैलेट को लेकर एक नोटिस आया है। इसके अंदर क्या बताया गया कि 7 तारीख को जो ये बोर्ड मीटिंग हुई है फंड रेजिंग को लेकर, इसके लिए शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मांगा गया है, शेयर होल्डर्स अपनी जो भी राय है वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे अगस्त के एंड तक कंपनी जो है अभी इस पोस्टल बैलेट का रिजल्ट निकालेगी और उसके आगे फिर कार्रवाई की जाएगी, यानी जो ये कंपनी फंड रेज करी है इसके ऊपर ही। तो ये वो अपडेट आई है, और कोई इसके अंदर बड़ा फंडा नहीं देखने को मिला है। तो चलिए एक नज़र अब इसके डाल लेते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का वर्क कैसा है, कब से काम कर रही है, ये तो आपको पता होगा 1995 से काम कर रही है, मैन्युफैक्चर विंड टरबाइन जनरेटर एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स, तो ये कंपनी बनाती है और इसका जो है आप लोग जो आप देखोगे इंस्टॉलेशन भी करती है। साथ में यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, लगभग 21,948 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप पहुँच चुकी है, ठीक है। और इन सब के साथ आप लोग देखोगे कंपनी अपनी एक मिड कैप स्टॉक में अपने कदम जो है रख चुकी है। 20,000 करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैप वाली कंपनी है वो एक मिड कैप में कन्वर्ट हो जाती है, अगर 20,000 से नीचे हो तो वो एक स्मॉल कैप रहती है, तो पहले स्मॉल कैप थी, अब ये मिड कैप में आ चुकी है। इसी के साथ आप लोग देखोगे PE रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, यानी स्टॉक अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर में चला गया है, ओवर वैल्यूड हो चुका है, ये एक इसके अंदर बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। ROE यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, ROC की अगर मैं बात करूँ 20 के आसपास एक अच्छी रेंज में है। शेयर होल्डिंग यहाँ पर आप लोग देखोगे 14.5% के आसपास प्रमोटर्स के पास स्टेक है, FII 7.5% के आसपास अर्न करती है, वहीं DI की बात करें तो 5.5% के आसपास DI के पास भी स्टेक है। पब्लिक यहाँ पर आप लोग देखोगे 72.3% स्टेक अर्न करती है, तो ये पब्लिक के पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर बात करें डेप्ट की तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 1938 करोड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डेप्ट जो ना अभी अब 1100 करोड़ के आसपास रह चुका है, बट डेप्ट इक्विटी अभी भी आप लोग देखोगे 1 से ऊपर में है,
ये एक नेगेटिव संकेत है। एंड प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आप लोग देखोगे 169 करोड़ के आसपास का है, फ्री कैश फ्लो 452 करोड़ के आसपास, और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट भी है। EPS 2.28 रुपये जो इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो हमें जो चेंजेस देखने को मिले हैं, एक तो आप लोग देखोगे बुक वैल्यू पहले माइनस में चल रही थी, ठीक है, पहले माइनस में थी, अब प्लस में आ चुकी है 88 पैसे। साथ के साथ आप लोग देखोगे इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है एक ये है कि यहाँ पर आप लोग देखोगे PE रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि स्टॉक को दर्शा रहा है कि एक ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। और RSI भी आप लोग देखोगे भी 70 से ऊपर में है, तो हाल फिलहाल ये शेयर एक ओवरबोर्ड जोन में है, ओवर वैल्यूड है, जिस हिसाब से स्टॉक में पीछे तेजी बनी है। इसका जो एक्चुअली प्राइस होना चाहिए थे यही कोई 12-13 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है। कुछ एक अपडेट्स ऐसे आई और बड़े प्लेयर भी आए स्टॉक के अंदर, जिसके चलते स्टॉक में ये ग्रोथ आई है, ये तेजी बनी है। तो यहाँ से देखो भाई जितना प्रॉफिट हो रहा ना, काफ़ी अच्छी बात है, प्रॉफिट बन रहा है, पब्लिक को भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। कुछ एक बड़े जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने जो टारगेट दिए थे उनके वेस पर अगर देखें तो वहाँ से भी एक इसके वॉल्यूम इंक्रीजिंग हमें देखने को मिली, उन सब चीज़ों से भी बायो से टारगेट बताए गए हैं ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा, ठीक है, तो उन सबसे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जब ये शेयर 7-8 रुपये के भाव पर था तब आपको बोला था कि 18 से 20 तक के टारगेट स्टॉक आपको दिखा सकते हैं, तो लगभग 18.5 रुपये तक जो शेयर वो ऊपर में गया, तो हमारे जो टारगेट थे वो अचीव हुए हैं। अब क्वार्टर वन के बाद देखते हैं अभी इसके आगे के क्या मूवमेंट्स बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और रही बात इसके लेवल्स की तो इसके लेवल्स हम आपको जो है कल वाली वीडियो में बताएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।